दादी गुजार बीच में बाबा के इशारा सुनावे ड्रामा में बिन बिन दर्श हम सब के सामने आते हैं और यही शिक्षा देते हैं कि जो भी दर्श देखते हैं वो साखी हो करके देखें और जो सहयोग हम दे सकते हैं वो दें। तो हम सब ने आत्मा को स्नेह का शक्ति का सहयोग दिया और आत्मा बहुत सहज गई। एक सेकंड की बात थी, हम लोगों ने, मैंने तो नहीं समझा कि ये जा रहा है, लेकिन एक सेकंड में ही एकदम सहज, बस मुख से ही मैं समझती हूँ सांस निकला है। आंखें आधी खुली हुई थी और बिल्कुल ही बॉडी शांत हो गई, अर्थात आत्मा बाबा के पास चली गई। तो आज अमृत वेले हम बाबा के पास गए थे तो वहां तो बाबा की गोदी में जगदीश भाई आकारी रूप में लेटे हुए थे और बाबा अपने हस्तों से उनका माथे में ऐसे ऐसे कर रहे थे और जगदीश भाई भी बहुत मीठी दृष्टि ले रहे थे बाबा से। लेटे हुए थे, बाबा ऐसे कर रहे थे, लेकिन वो बाबा की दृष्टि बहुत मीठी मीठी ले रहे थे। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चा
चाहता था कि मैं अभी इस शरीर से तो सेवा कर नहीं सकूंगा, तो बाबा ही मुझे बुला लेवे और जो सेवा मेरे से लेनी हो वो लेंगे। तो इसको 3-4 दिन पहले ही ये संकल्प आ रहा था, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो जब मनुष्य आत्मा को संकल्प आ जाता है ना जाना है, तो वो बहुत जल्दी जाता है। तो हमने देखा 3 दिनों में ही, ये भी इसका संकल्प था, तो मुझे हॉस्पिटल में नहीं जाना है। शुरू से ही ये कहते थे कि हॉस्पिटल में मुझे नहीं जाना है, लेकिन ड्रामा अनुसार मधुबन के हॉस्पिटल का पार्ट था, लेकिन 3 दिन पहले इनको बहुत ये था, मुझे पांडव भवन में ले चलो, मुझे पांडव भवन में ले चलो। तो जो इनकी दोनों ही संकल्प थे, दोनों हॉस्पिटल में नहीं जाना है और अभी हमको जाना है, तो ये दोनों ही संकल्प ड्रामा में कहो बाबा ने पूरे किए और सहज बाबा के पास चले गए। 1 सेकंड का ही था, जैसे कहते हैं खोंगड़े आते हैं, ये आते हैं, ये कुछ भी नहीं दिखाई दिए, लेकिन बस मुख खुल गया और आंखें आधी खुली थी। तो बाबा ने दृष्टि देते हुए पूछा, बच्चे अभी तो बाबा के पास पहुंच गए हो, तो मैं भी सामने गई थी, तो बाबा ने कहा बच्चे को यही आश थी कि मैं मधुबन से ही जाऊं। तो ड्रामा अनुसार देखो इनकी ये भी आशा पूरी हो गई, जो मधुबन से ही इस आत्मा को बाबा के पास आना था और मधुबन से ही विदाई लेनी थी। और विशेष तो हमारी दादी जी निमित्त है, तो उनसे ही जैसे छुट्टी के लिए रुके हुए थे, दादी मिली, चाहे उसको स्मृति नहीं थी बाहर से, लेकिन अंदर आत्मा में तो स्मृति होती है। 2 मिनट ही हुआ, तो बाबा ने कहा देखो इनकी सब जो संकल्प थे वो सब पूर्ण हो गए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चा चाहता था, 1 संकल्प बच्चे को था कि ये जो सेवाएं बाबा को प्रत्यक्ष जो करना है ना, उसके लिए अभी कोई और कुछ करना चाहिए जो बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। तो इसकी ये जो संकल्प है ना, अभी बाबा इसके दूसरे सर्विस से पूरा करेगा। 1 संकल्प इसका रह गया कि बाबा को प्रत्यक्ष करने में मैं निमित्त बनूं, लेकिन बाबा ने कहा ये भी बच्चे की जो आशा है वो किसी भी रूप में इसको बाबा निमित्त बनाएगा बाबा की प्रत्यक्षा करने के लिए, ये भी बच्चे की आश पूरी हो जाएगी। उसके बाद बाबा ने कहा बच्ची आप तो जानते हो कि ये हमारा स्पेशल बच्चा है। मैंने कहा बाबा स्पेशल तो बहुत है, तो कहा स्पेशल इस बात में है कि ये पहला ही बच्चा है जो बेगरी लाइफ में सरेंडर हुआ है।
बेगरी लाइफ में ये समर्पण होने वाला पहला बच्चा है, इसीलिए बाबा कहता है ये स्पेशल आत्मा है। और हमें भी याद आया कि जब ये समर्पण हुआ है तो तब सिर्फ दो छोटे कमरे थे हमें कमला नगर में। वैसे जहाँ कोर्स किया वो तो एक छोटा सा और स्थान था, लेकिन मकान जब लिया, मकान लेने में भी इन्होंने बहुत सहयोग दिया। और दो कमरे थे, हाल भी नहीं था क्लास का, छोटे कमरे में, एक कमरे में बहनें रहती थी, एक में जगदीश भाई रहते थे, और वहाँ ही सारा कारोबार चलता था। और एक सीन मुझे इनकी याद है कि इनका बहनों से इतना प्यार था, गर्मी बहुत थी उन दिनों में, तो कमला नगर के कुछ, मैं समझती हूँ 4-5 मीटर तो होगा, किलोमीटर तो दूर, एक बर्फ खाना था। तो बहनों को गर्मी तो लगेगी ना, सीजन ही ऐसी थी, पसीना भी बहुत आता था। तो ये क्या करता था, अपने कंधे पर, क्योंकि स्कूटर में आठ आना देना भी बड़ा मुश्किल था, और ये अपने कंधे पर वहाँ सेवा करके, और बर्फ की वो जो ईट होती है बड़ी, वो कंधे पर रख करके ले आता था, और सभी बहनों को शरबत पिलाना, ये ठंडा मतलब पानी देना, ये सेवा करता था। तो बाबा ने कहा स्पेशल आत्मा इसलिए है, जो बेगरी लाइफ के टाइम सारा वायुमंडल देख करके और इसने सरेंडर किया और सेवा के निमित्त बना। और शुरू में ही पहली पहली सेवा कुंभ के मेले में, दादी भी गए थे, गंगा बहन भी थी, कानपुर से गए थे, तो पहला पहला लिटरेचर बाबा के डायरेक्शन से कुंभ के मेले में बांटने के लिए बाबा ने डायरेक्शन दिया था, और इन्होंने पहला बुक वो लिखा था। तो सेवा के निमित्त तो शुरू से ही बने हैं। तो बाबा ने कहा स्पेशल आत्मा है, इसलिए मैं इन बच्चे की वतन में भी स्पेशल सेवा कराऊंगा, इनसे भी कराऊंगा, जो इसकी दिल है ना, तो मैं रोज अमृत वेले इसको अपने साथ वर्ल्ड के ग्लोब पर खड़ा करके, अपने साथ ही इसको भी चारों ओर सकाश देने का, लाइट हाउस बन के लाइट देने का आत्माओं को, ये सेवा मैं स्पेशल इनसे वतन में कराऊंगा, और इसकी जो दिल है प्रत्यक्षता की, वो भी इनकी आशा बाबा किसी भी रूप में होगा, लेकिन इसकी ये आशा जो है वो बाबा ज़रूर पूरी करेगा। अभी डिटेल तो बाबा ने कुछ नहीं सुनाया, लेकिन इतना ही बाबा ने कहा, बच्चा अभी वतन तुम्हारा घर है, तुम खाओ खेलो जो चाहे वो करो, सारा दिन आपको जो मन में आए वो करो, बाबा के साथ तो हो ही, इसलिए खाओ खेलो चाहे आराम करो जो भी करो, वतन आपका घर है। ऐसे कह के मेरे को भी बाबा ने कहा, तो आप मिलेंगी जगदीश जी से? मैंने कहा मैं देख तो रही हूँ कि ये दृष्टि ले रहे हैं। कहा आप बात करो। तो मैंने कहा जगदीश जी आप बाबा के पास आ गए? तो कहा आना ही था, बाकी
मुझे ये बहुत खुशी है कि मधुबन निवासियों ने और आप सब ने बहुत मेरे को सहयोग दिया। जो मेरी सेवा की उसे मैं बहुत बहुत खुश हूँ और सभी मधुबन निवासियों को या जो भी आवे उन सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत याद है। बस फिर तो आ गई मैं। ये था संदेश। अच्छा।